नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उन पेंशन धारकों के लिए है जिनका अकाउंट एसबीआई में है। तो जी हाँ दोस्तों, एसबीआई द्वारा इन खाता धारकों को एक मैसेज भी भेजा जा रहा है। अगर इस मैसेज को आप इग्नोर करेंगे तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो सभी एसबीआई के जो खाता धारक है वो इस वीडियो को जरूर देखे ताकि ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है इसकी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा और एसबीआई के द्वारा जो एसएमएस भेजा जा रहा है उसे आपने इग्नोर किया तो आपको आगे आने वाले दिनों में काफी परेशानी का सामना भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल न्यूज है इसको शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो न्यूज निकल कर आ रही है एसबीआई के खाता धारकों के लिए, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एसबीआई खाता धारकों ने बैंक से आए हुए मैसेज को इग्नोर किया तो होगी बड़ी परेशानी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि बैंक की ओर से आने वाले मैसेज को बैंक खाता धारक गंभीरता से नहीं लेते हैं और बिना देखे ही डिलीट कर देते हैं। लेकिन बैंक खाता धारकों की यह आदत उनको मुश्किल में भी डाल सकती है। कई बार बैंक ऐसे मैसेज भेजते हैं जिनके जरिए आपको जरूरी जानकारी दी जाती है। इन दिनों देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक की ओर से अपने खाता धारकों को एक मैसेज भेजा जा रहा है। इस मैसेज को अगर आपने इग्नोर किया तो इसका सीधा असर आपके बैंक अकाउंट पर पड़ सकता है। इसलिए आपको यह जानकारी जानना जरूरी है कि वो मैसेज क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में अभी जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि एसबीआई के कुछ ग्राहकों को मोबाइल फोन पर अलर्ट मैसेज आए हैं। इस मैसेज में खाता धारकों को केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा गया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन यानी लेन देन करने पर आपको दिक्कत आ सकती है। यह संभव है कि आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो जाए। आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक सभी बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी को जरूरी बना दिया गया है। केवाईसी को आसान भाषा में समझे तो यह कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी होती है। आरबीआई के आदेश अनुसार केवाईसी सभी के लिए जरूरी है। अगर आपने अभी तक आपका केवाईसी नहीं किया है तो किस तरह से आपको आपका केवाईसी करना है वो अभी हम जान लेते हैं। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और इस तरह के मैसेज आपको भी आए हैं तो तुरंत अपने डॉक्यूमेंट लेकर अपनी नजदीकी ब्रांच में जाए। एसबीआई की वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी दी है। केवाईसी के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे पहचान पत्र की तौर पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर नरेगा कार्ड शामिल है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। वही जिस खाता धारक की उम्र 10 साल से कम है तो उस खाता धारक को हैंडल करने वाले व्यक्ति को आईडी प्रूफ जमा करवाना होगा। अगर पेंशन धारक खुद ही अपना अकाउंट जो है हैंडल करता है तो पहचान पत्र और एड्रेस वेरिफिकेशन की वही प्रक्रिया होगी जो किसी अन्य व्यक्ति के मामले में लागू होती है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो लोग मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके मोबाइल वॉलेट भी मार्च तक बंद हो सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हो और आप मोबाइल वॉलेट भी यूज करते हैं या फिर केवल मोबाइल वॉलेट यूज करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल पिछले दोनों इस तरह की खबरें भी आई थी कि आरबीआई की सख्ती की वजह से देश में अधिकतर मोबाइल वॉलेट बंद हो सकते हैं। दरअसल लंबे समय से आरबीआई ने मोबाइल वॉलेट ऑपरेटर करने वाली कंपनियों से अपने ग्राहकों का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा था। इसके लिए फरवरी 2019 तक का समय दिया गया है, लेकिन डेडलाइन तक अधिकांश कंपनियां इसे पूरा नहीं कर पाएंगी। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट इंडस्ट्री में जबरदस्त तेजी आई है। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है, जो पेंशनर्स या फिर जो खाता धारक इनका अकाउंट एसबीआई में है तो ऐसे सारे मेंबर्स को यानी उनका केवाईसी अपडेट नहीं है तो उनको बैंक के जरिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं ताकि वो उनकी केवाईसी टाइम रहते अपडेट करवा सके। अगर टाइम रहते केवाईसी अपडेट नहीं होती है तो इसका सीधा उनके लेन देन पर होगा, उनका खाता भी बंद हो सकता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा था तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो सभी को पता चल सके और जिन जिन का केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं है वो जल्द से जल्द अपना केवाईसी अपडेट कर सके, जिसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पर बताया गया है आधार कार्ड, पैन कार्ड, नरेगा कार्ड या फिर पासपोर्ट जैसी ये जो आई कार्ड है, तो इसका इस्तेमाल करके आप आपका जो केवाईसी है वो बैंक में कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।